हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चना चाट रेसिपी। चना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन चने को अगर हम अच्छे से चाट बना कर खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। काले चने को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको 5-6 घंटे भिगो कर रखेंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने पूरी रात भिगो कर रखे हुए हैं चने, और उसके बाद मैंने इसमें 5-6 विसल लगाकर अपने चनों को उबाल लिया है। ये उबले हुए चने दिखाई दे रहे हैं आपको। अब मैं इसका चना चाट बनाने के लिए अपना मसाला तैयार करूँगी। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है, ये हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर से टेस्ट अच्छा आता है, ये सफ़ेद नमक, हम कुछ काला नमक पहले भी डाल चुके हैं। अब ये यहाँ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी ली है। अब मैं इसमें पानी डालकर इसका अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये मैंने गैस पर पैन रखा है और इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें मैंने हींग और जीरा डाला है। अब जीरे को चटकने तक हम इसको चलाएंगे और अब मैं अपनी बनाई हुई प्यूरी इसमें डाल दूंगी। जैसे ही ये पकने लगे तो मैं इसमें अपने काले चने डाल दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने काले चने डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, जिससे मेरे सारे मसालों का टेस्ट मेरे काले चनों के अंदर आ जाए। ये खाने में काफ़ी हेल्दी होते हैं और टेस्टी होते हैं, ये बच्चे भी काफ़ी पसंद करके खाते हैं। अब देखिए, ये हमारे काले चने। अब मैं इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें यहाँ प्याज मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ मैं टमाटर भी डालती हूँ इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें खीरा भी डाल सकते हैं और जितना तीखा पसंद है उतना मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कितना भी तीखा खाने पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने हरा धनिया डाला है और अब मैं इसमें नींबू निचोड़ दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नींबू लिया है, इससे चना चाट का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिए, आप बार बार बना कर खाएंगे, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है। आजकल टेस्टी और हेल्दी चीज़ें तो मिलती ही नहीं है, आप देख सकते हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अपनी प्लेट में डालेंगे। अब हमारा चना चाट रेडी है खाने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं, ये देखने में भी कितना यम्मी लग रहा है, ये बर्गर और पिज्ज़ा को भी फील करता है देखिए, और हेल्दी है, बच्चे इसे काफ़ी शौक से पसंद करके खाते हैं। चना चाट एकदम से यम्मी। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक बाय।